हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी के बीच में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है फ्रेंड्स कि हम MX प्लेयर के कुछ ऐसे सेटिंग जानेंगे जो काफ़ी अच्छा है। और ये सेटिंग कोई कोई दोस्तों का मालूम भी होगा और कोई कोई दोस्तों को मालूम भी नहीं होगा। तो जिन दोस्तों को मालूम नहीं है वो अपने मोबाइल में कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मालूम है वो भी वीडियो देखकर, कोई ऐसा सेटिंग होगा उससे भी नहीं मालूम होगा तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम MX प्लेयर की वो सेटिंग जानते हैं कि कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले MX प्लेयर में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम MX प्लेयर में आ गए, और आने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 डॉट, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स दिख रहे हैं कि यहाँ पर सेटिंग नहीं दिखा रहा है। क्योंकि सेटिंग क्यों नहीं दिखा रहा है फ्रेंड्स, कि हम नए अपडेट MX प्लेयर किए होंगे तो वो सेटिंग वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, अथवा नेट कनेक्शन में हर एक दिन मोबाइल रहता है, इसी कारण भी नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, हमें कहाँ पर जाना है कि सेटिंग दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रहा है फोल्डर, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा है स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोकल प्लेयर सेटिंग, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्लेयर, तो प्लेयर में जाएंगे। प्लेयर में जाने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रीन है, वहाँ पर हम जाएंगे। स्क्रीन पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सेटिंग हमारे मोबाइल में नहीं किया हुआ है, तो देखिए फ्रेंड्स हम पहले यहाँ पर बैटरी और क्लॉक पर टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद फ्रेंड्स कि हमारे बैटरी और क्लॉक डिस्प्ले वीडियो चलेगा तो डिस्प्ले के वो ऊपर ही दिखेगा फ्रेंड्स। ये कॉर्नर ऑफसेट है फ्रेंड्स कि ये हमारे साइड में रहेगा तो वो इधर उधर ये वीडियो क्लॉक को कर देगा। और ये है इलेफसेट टाइम, यानी कि ये जो टाइम होता है सेकेंड, वो वीडियो को बताएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर टिक मार दे रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले बैटरी क्लॉक इन टाइटल बार, जो हमारा सॉन्ग का जो टाइटल लिखा हुआ होता है उस पर भी हमें सॉन्ग पर भी बैटरी और क्लॉक को वहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे फ्रेंड तो वो दिखाने लगेगा। शो रोमिंग टाइम है फ्रेंड्स कि हम टाइम देखते हैं, वो रोमिंग यहाँ पर दिखाएगा कि कितना चला हुआ है, कितना क्या हुआ है, वो उस पर भी हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रहा है ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर क्लिक जैसे ही कर देंगे फ्रेंड्स, बहुत ही हमारा सेटिंग बदलाव दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर हम आ गए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हम वीडियो चला रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके यहाँ पर हमारा टाइटल बार पर भी दिखाई दे रहा है। टाइटल बार पर भी यहाँ पर हमारा किसी भी सेकंड चल रहा है, और यहाँ पर टाइम दिखा रहा है फ्रेंड्स। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि कहाँ कहाँ दिखा रहा है और उसका नाम क्या है, वो कैसे लोड करें। चलिए हम वीडियो में देखते हैं। और तो फ्रेंड्स हम बंद कर रहे हैं वीडियो को, पहले प्ले स्टोर में तो आप अभी देख ही लिया कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहले से ये नहीं था, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पहले के वीडियो है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इसे छोटा कर दे रहा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारा वो डिस्प्ले का पॉपअप आ गया, नहीं तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ऐसा 68% 1:20 PM दिखा रहा है। यहाँ पर रोमिंग दिखा रहा है फ्रेंड्स टाइम। तो ऐसे करके ये सेटिंग हम कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और ही काफ़ी शानदार सेटिंग है फ्रेंड्स, जो कि वहीं पर हमें फिर से फोल्डर में जाना होगा। फोल्डर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लोकल प्ले सेटिंग में जाएंगे। जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेयर में जाएंगे। प्लेयर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम
जो यहाँ पर डिस्प्ले के नीचे जो 3 बटन होता है, बैक और जो बिफोर करता है और पीस और प्ले करता है, वहाँ पर क्लिक करके हम वीडियो को क्या ऑफ़ करते हैं, तो वो हमें डबल टैप कहीं भी डिस्प्ले पर कर देंगे तो हमारा वीडियो क्या बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स तो ये क्लिक कर देंगे डबल टैप प्ले पीस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो हो जाएगा। और फ्रेंड्स चलते हैं एक और सेटिंग में, तो हम जानेंगे सबसे पहले हम कंट्रोल पर जाएंगे। कंट्रोल पर जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स इसी में है, यहाँ पर लॉक मोड दिखाई दे रहा होगा, लॉक मोड दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर हम जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर लॉक में देखे फ्रेंड्स, एक है लॉक सीधे और एक किड लॉक और किड लॉक प्लस टच इफेक्ट। फ्रेंड किड लॉक में हम जाएंगे तो लॉक हो जाएगा परंतु जो इफेक्ट डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे किड लॉक प्लस टच स्क्रीन पर करेंगे। तो ओके कर दिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ओके करने के बाद ये हमारा सेटिंग अब चालू हो जाएगा, यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड देखिए फ्रेंड किड प्लस टच लगाया हुआ है, उसका मतलब क्या है और वीडियो में कैसे वो दिखाता है, तो सबसे पहले हम एक वीडियो टच चालू करेंगे। सर्च करें, प्ले करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे लॉक कर देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स लॉक कर दिए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ लॉक करने के बाद पहले दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लॉक खुल जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स कहीं पर भी हम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या इफेक्ट भी आ रहा है और लॉक भी खुल नहीं रहा है। फ्रेंड्स इसे खुलने का एक ही तरीका है, आप पावर ऑफ भी कर देंगे तो पर भी डिस्प्ले फिर खुलेगा तो ऐसा ही रहेगा, जो हम बटन को डिस्प्ले ऑन ऑफ करते हैं फ्रेंड्स उसे कर देंगे तो तब पर भी ऐसा रहेगा। फ्रेंड्स इसे खुलने का एक ही तरीका है, आप फोर साइड होता है वहाँ पर हम टाइप करेंगे 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स हमारा फिर से ही चालू होगा। फ्रेंड्स हम चलाकर कोई कोई वीडियो देखते हैं तो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसे हम दे देंगे तो काफ़ी वीडियो को देखता रहेगा और कुछ भी उसे नहीं होगा और इंजॉय भी करेगा, तो ये लॉक उस समय हम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हम वीडियो चला दे रहे हैं फोन इन और लॉक लगा दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लॉक लगाया और हमारे घर का बच्चा कहीं भी टाइप करेगा तो कोई भी यहाँ पर नहीं होगा, डिस्प्ले अथवा जो वीडियो है वो बंद नहीं होगा। खोलेंगे वही जो साइड है वहाँ पर क्लिक करेंगे 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स खुल गया, तो ऐसे करके हम किड लॉक प्लस टच इफेक्ट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ और सेटिंग भी है तो हम जानेंगे वो कौन सा सेटिंग है। फ्रेंड्स हम वीडियो कभी कल देखते हैं तो क्या होता है कि हमें वीडियो में 1 2 3 4 5 जो होता है जो सीरियली रूप से कभी कल मोबाइल में नहीं होता है फ्रेंड, तो वो कहाँ से हम करें तो सीरियली रूप से बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर वीडियो देखते हैं, यहाँ पर ये कर्नल है यहीं पर हम क्या प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है लूप वन लूप वन सफर, यहीं पर क्लिक हो जाता है फ्रेंड्स तो वो इधर उधर हमारा वीडियो साइड बाय साइड नहीं चलता है फ्रेंड्स, वन बाई वन नहीं चलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सफल पर यहाँ पर लूप वन पर कर देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक 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 करके वीडियो दिखाई देगा, अब तो छोड़ देंगे तो पर भी वो दिखाई देगा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स हम लूप वन पर भी कर देंगे अथवा ऐसे ही रह देंगे। देखिए फ्रेंड्स आप सभी भी यहाँ पर ठीक नहीं लगा होगा तो पर भी ये क्या ठीक ही चलेगा। तो और कई कई बार हम देखे ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो अब देखे थे एक और सेटिंग हमें यहाँ पर क्या मिलाए थे कि डबल टैप करके ऐसे हम यहाँ पर क्लिक करके नहीं बंद कर सकते, एक और जो सेटिंग में बताया था वैसे भी करके हम क्या बंद कर सकते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स हम वीडियो चालू कर दिए और यहाँ पर हमारे सभी जो है वो हट गए। अब देखिए फ्रेंड्स हम नहीं ये पीस पर बटन पर क्लिक ऑन कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स हम डबल टैप कर रहे हैं 1 2 थोड़ा सा फ्रेंड्स एड आ गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डबल टैप कर रहे हैं 1 2, देखिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो बंद हो गए।
और कहीं पर भी हम डबल टैप करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 1 2, देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया वीडियो। और फिर से हम कहीं पर डबल टैप करेंगे तो वीडियो क्या बंद हो जाए, देखिए फ्रेंड बंद हो जा रहा है। तो ऐसे ही करके आप सभी भी अपने मोबाइल में सेटिंग बना सकते हैं। फ्रेंड इसमें एमएक्स प्लेयर बहुत ही सेटिंग है जो कि मज़ेदार हमारे एमएक्स प्लेयर को बना देगा। तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा ना हो तो यही पर हम वीडियो रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और साथ में हमारे चैनल संतोष परवाना ऑफिशियल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।